हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वनेस। रिसेंटली रसिया के द्वारा अपने काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को इंडिया को ऑफर किया गया है और ये है उनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम SU-75 चेकमेट। जी हाँ, रसिया ने अपने सिंगल इंजन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-75 को इंडिया को ऑफर किया है और आगे चल के हो सकता है कि वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करे और वो भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। और ये जो रसिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर SU-75 है वो उसे इंडिया के एरो इंडिया 2023 में भी शोकेस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि रसिया की ये जो टाइमिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा लगातार नए नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी को इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके द्वारा बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने GE-414 इंजन को इंडिया को ऑफर किया है, वो भी 100% टेक्नोलॉजी के साथ। और ये काफी बड़ी बात है इंडिया के लिए क्योंकि ये जो जेट इंजन होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है और लिमिटेड देशों के ही पास इनकी टेक्नोलॉजी है। और ये जो इंजन है GE-414 इंजन, ये भी काफी बेहतरीन इंजन है। और इसके अलावा अमेरिका ने अपने कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी इंडिया को ऑफर किया है जिसमें हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया के साथ जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए तथा इंडिया आसानी से चाइना को काउंटर कर सके क्योंकि अमेरिका को पता है कि चाइना को सिर्फ इंडिया ही काउंटर कर सकता है। इसके अलावा इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तो इसलिए भी अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ जो उसकी दोस्ती है वो भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और यही रसिया नहीं चाहता है। रसिया नहीं चाहता है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में बढ़े क्योंकि इंडिया में रसिया का ही इन्फ्लुएंस अभी तक ज्यादा रहा है क्योंकि इंडिया के द्वारा 70% तक जो वेपन्स है वो रसिया से ही परचेज किए जाते हैं, यानी इंडिया पूरी तरीके से रसियन वेपन्स पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे वो अमेरिका और अन्य देशों पे शिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ अपना खुद का इंडिजीनियस वेपन्स भी बना रहा है। लेकिन फिर भी रसिया नहीं चाहेगा कि इंडिया अमेरिका के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और भी मजबूत हो, इसीलिए रसिया ने अब ये फैसला लिया है कि वो अपने सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट SU-75 चेकमेट को इंडिया को ऑफर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी जो पहली फ्लाइट होगी वो 2024 में होगी और 2027 तक ये इंट्रोड्यूस होगा। कुल मिला के देखें तो ये 2028 से 29 तक ही पूरी तरीके से बन के तैयार हो पाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि रसिया का पहले भी एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था SU-75 जिसमें इंडिया को शामिल किया गया था। इंडिया ने इसमें लगभग $150 मिलियन तक खर्च भी किया था लेकिन उसके बाद 2018 में इस प्रोग्राम से पीछे हट गया था, यानी अलग हो गया था। और उसका कारण था रसिया के द्वारा पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर न कर पाना और ये फाइटर प्रोग्राम में बहुत सारी खामियां थी। यानी ये जो फाइटर जेट बन के तैयार हुआ है SU-75, ये पूरी तरीके से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है क्योंकि जो इसका इंजन है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी का नहीं है और भी इसमें कई सारी कमियां हैं, इसीलिए इंडिया ने अपना हाथ इस प्रोग्राम से पीछे खींच लिया था। तो अब फिर से रसिया के द्वारा एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर किया जा रहा है, तो क्या इंडिया इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है? आपके क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, यानी रसिया के इस ऑफर को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अब जो इंडियन एयरफोर्स है वो किसी भी तरीके के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर ऑपरेट करेगी तो वो हमारा खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ही होगा। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA को बनाया जा रहा है और AMCA की जो पहली फ्लाइट है वो 2025 और 26 में हो सकती है और ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से 2030 से 31 तक बन के तैयार हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स में इसे 2032 से 33 तक शामिल किया जा सकता है। तो जब इंडिया के द्वारा खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है तो हम किसी और कंट्री के एयरक्राफ्ट को क्यों लेंगे? क्योंकि किसी और कंट्री के एयरक्राफ्ट को लेना मतलब उस कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाना, जबकि हमारा खुद का एयरक्राफ्ट रहेगा तो हम अपने आप आत्मनिर्भर रहेंगे, ना कि किसी और कंट्री पे। तो मुझे नहीं लगता है कि रसिया के इस ऑफर को इंडिया एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो इंडिया और रसिया का डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।